से no oh, दावा करते हो कि जो शीवाई नो है वो वन डॉलर जाएगा 56, पे है, से है। काफी सारे लोगों का जो प्रेडिक्शन था वो ये था कि आ, जो बिटकॉइन हेल्पिंग है उससे बाद में जो ऑल टाइम हाई है वो टच करेगा बिटकॉइन so, उनके पास भी तो अभी रिसेंटली डेटा आया कि दे आर राइट नाउ होल्डिंग मोर देन टू लैक ऑफ बिटकॉइन 2024 में गेमिंग और एआई का क्या फ्यूचर है बट इसमें खुशी मनाने वाली क्या बात थी मुझे तो ये हैरानी हो रही है इवन स्माइली के साथ साथ लोग खुशी मना रहे हैं अरे कंटेंट लिख के खुशी मनाने का क्या बात है घर में नाच के दिखाओ ना हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे पिछली वीडियो पे जिसमें आपने बताया था कि पॉडकास्ट से रिलेटेड जो राजीव सर हैं हमारे लास्ट गेस्ट उनको एक बार वापस से बुलाया जाए और उनके साथ में वापस से पॉडकास्ट शूट करा जाए और जो बातें छूटी थी लाइक बिटकॉइन ऑर्डिनल्स के बारे में हमने बात करी थी पिछले पॉडकास्ट में और बिटकॉइन हेलविंग के बारे में बात करी थी तो उसको कंटिन्यू करा जाए तो आपकी फरमाइश पे हम राजीव सर को एक बार फिर से पॉडकास्ट में लेकर आए और आज बात करेंगे बिटकॉइन ई टी एफ बिटकॉइन हेलविंग और काफी सारे जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं कि बिटकॉइन में रशिया में बैन कर दिया है बिटकॉइन को और इन सारी चीजों पर एक बार राजीव सर से उनके व्यूज जानेंगे वेलकम वेलकम सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो स्वागत so so और हैं आज का एक पॉडकास्ट एंड ah, yes, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा मेरा आपने देखा होगा कि बिटकॉइन अभी कंप्लीट हो चुकी है एंड रिसेंटली प्राइस करेक्शन भी मार्केट में चल रहा है चल रहा है एंड काफी सारे लोगों का जो प्रडिक्शन था वो ये था कि जो बिटकॉइन हेल्विंग है उससे बाद में जो ऑल टाइम हाई है वो टच करेगा बिटकॉइन अपना लेकिन ये चीज पहले ही हो गई जैसा कि हमने प्रडिक्शन में नहीं देखा था पिछले जो हेल्विंग्स हुए थे उसमें उससे प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता था कि ऑल टाइम हाई वो पहले ही क्रॉस कर लेगा

जो टॉप इंस्टीट्यूशन है जिसकी हम रेगुलर बात करते हैं मैं भी अपने क्रिप्टो चैनल पर करता हूं आप भी करते होंगे ब्लैक रॉक फिडेलिटी या ग्रे की सो दे आर राइट नाउ द टॉप डोमिनेंस इन दिस इंडस्ट्री सो अब जब डोमिनेंस की हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली डोमिनेंस हर इंडस्ट्री में डोमिनेंस अलग तरीके की है क्रिप्टो इंडस्ट्री में या हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस तभी बनाई जा सकती है जब आपके हाथ में बिटकॉइन होल्डिंग हो

और नवंबर सबसे एक ऐसा मंथ आ गया था कि जब मतलब अगर मैं कंटेंट क्रिएटर की तरफ से भी बात करूं या ट्विटर ट्रेंड ट्रेंड की भी बात करूं तो तो बिटकॉइन स्पोर्ट ईटीएफ का हैशटैग होना शुरू हो गया था राइट right. डेफिनेटली तो जो कंटेंट क्रिएटर होता है लाइक मी like या लाइक यू एंड अगर आप ओवरऑल कॉन्टेंट क्रिएटर की बात करो तो वो वॉच ही यही करते हैं हम लोग वही वॉच करते हैं कि एक्जेक्टली ट्रेंड क्या है और उस ट्रेंड पे फिर हम लोग रिसर्च करते हैं अपना डेटा कैलकुलेट करते हैं

उन्नीस दिन क्योंकि इस बार hmm. है तो था एक अच्छा अपना अक्टूबर हमेशा डंप मंथ होता है नवंबर mm -hmm. mm -hmm. एवरेज मेंटेन का होता है mm -hmm. दिसंबर में हमारी हाई पेज होती है नया साल में पता नहीं क्या होने वाला उस वजह से प्रॉफिट बनता है पर उस लेवल का प्रॉफिट नहीं बनता तो मेन मंथ फेब्री था

क्या इसका सच में यही रीजन है कि वो इसलिए गए कि दे दे आर गोइंग टू सेल नहीं होता ना रीजन कई बार हो सकता है दोबारा ट्रांसफर कर दे right. कोई और रीजन हो सकता Possible. है मार्केट मैनिपुलेट भी रीजन हो सकता है बट ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट आने वाले एक दो घंटे में तीन घंटे में डंप होगी मार्केट क्योंकि दे आर गोइंग टू सेल इट और मार्केट क्रैश होगी अब दस हजार बीटीसी अगर कोई बेचेगा तो डेफिनेटली सेल होगी अब इतने में ही क्या होता है उस पांच घंटे के अंदर मार्केट में छ परसेंट बीटीसी डम्प

इस चीज को प्रॉपर किया कि यार क्वाइन बेस में बीटीसी ट्रांसफर करना इट्स नॉट अबाउट कि वो सेल करने वाले हैं mm -hmm. चलो इन केस ऑफ सेलिंग तो होना ही होना है हां दिस इज एग्जैक्टली द मैन्युपुलेशन वो क्यों की जाती है बड़ा इंस्टीट्यूशन को और बड़ा बनना oh, है yeah. जितना ज्यादा बीटीसी होल्ड कर पाएंगे उतना बेटर mm -hmm. यही एक रीजन है पहला कि बीटीसी होल्डिंग के बाद मार्केट अभी तक डाउन है ये फंडामेंटल रीजन है mm -hmm. चार्ट रीजन ये बोलता है कि बीटीसी राइट नाउ इज इन करेक्शन मोड दे नीड एट मिनिमम मंथ टू एंड ओके मे और जून लेकिन अगर आप फिर दोबारा से ट्विटर चेक चेक करो mm -hmm. influencer sentiments चेक करो दे आर आपको जुलाई एंड तक वेट करना है यानी कि मिड ऑफ जुलाई सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है दोबारा से ये हर साल होता है सेम वर्डिंग्स सेम कंटेंट और कई तो कॉपीड कंटेंट सिर्फ डेट चेंज

अचानक से आप देखो अभी भी बीटीसी करेक्शन मोड में है लेकिन दो दिन पहले ब्लैक रॉक की एक स्टेटमेंट आती है कि जितना भी वेल्थ मैनेजमेंट हो रहा है अक्रॉस द यूएस और अचानक बीटीसी चार परसेंट इसको चार्ट बोलोगे सेंटीमेंट बोलोगे एक न्यूज आई न्यूज ठीक है इवन मैंने खुद उसको रिट्वीट किया वो news, है मार्केट के लिए लेकिन न्यूज से किसी ने बाइंग तो नहीं किया होगा ना hmm. किसी ने सेल अच्छा उस टाइम पे वो न्यूज हट गई कि ग्रे स्केल ने दस हजार बिटकॉइन कॉइन बेस में ट्रांसफर किया सुबह छह बजे न्यूज आती है ग्रे स्केल ट्रांसफर बीटीसी ऑन hmm. क्वाइन बेस मार्केट डंप एग्जैक्ट आठ घंटे बाद न्यूज आती है ब्लैक रॉक गिवर स्टेटमेंट कि वो अचानक से मतलब जितना भी वेल्थ मैनेजमेंट है डॉसमेंट है इन सब के लिए बीटीसी के अंदर आप पेमेंट सिस्टम क्रिएट करो आठ घंटे के अंदर मार्केट चार परसेंट डाउन से तीन परसेंट अप हो जाती है

तो ओवरऑल आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 20 अप्रैल सुबह mm -hmm. देख भी रहा था साढ़े पांच बजे के आसपास का टाइम था उससे पहले बीटीसी सिक्स पॉइंट वन टू फाइव पर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था मतलब mm -hmm. रिवॉर्ड मिल रहा था नौ सौ बिटकॉइन पर डे माइन हो रहे थे mm -hmm. उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाद

छह से तीन हुए hmm. माइनर को रिवॉर्ड अभी भी क्या मिल रहा है 40 BTC पर ब्लॉक. जैसे अभी आप लोगों ने सोलाना में सुनते हो आप ठीक right. है अचानक से कंजेशन आ जाती है।, hmm. तो अब कंटेंट बनाने वाले है कोई बोलेगा कि यार सोलाना के नेटवर्क में कंजेशन आ रही है प्लीज गो टू इट ये नहीं बढ़ेगा बार बार नेटवर्क कंजेस्टेड और कई पता क्या कहते हैं इतना हैवी प्रोजेक्ट हो चुका है कि कंजेस्टेड हो रहा है, उसको कर लो। देखो, वाले है ना और एक्चुअली रियल खेलेंट कैसे कर रहे होगा हो तो मैं क्यों बोलूंगा कम होगा ठीक right. है लेकिन कुछ टॉप ट्विटर प्रोफाइलर क्या करते हैं है, जैसी सोलाना सो डॉलर आ गया ना mm -hmm. या सो डॉलर से कम का आ गया mm -hmm. तो मैं अपनी पूरी के सोलाना में लगा दूंगा मैंने ये ट्वीट भी देखे

टॉप सिक्स या टॉप सेवन में तो डेफिनेटली आ जाएगा टॉप फाइव में भी आ जाएगा उसके पास टफ कॉम्पिटिटर फिर अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट टेस्ला गूगल गोल्ड सबसे बड़ा तो अगर इन पांचों में से एक को भी दिया तो बिटकॉइन इज इन टॉप फाइव पोजिशन इजीली थ्री ट्रिलियन थ्री डॉलर की मार्केट कैप से आ जाएगा क्योंकि आने वाले एक साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट क्या आने वाले एक साल में गूगल इतना बड़ा कुछ अनाउंस करने वाला है कि गूगल की मार्केट कैप बढ़े Right. या Amazon कुछ ऐसा अनाउंस करने वाला है या ए एस में कुछ ऐसा इनोवेशन आने वाला है कि mm -hmm. की सर्विसेज को वो कुछ ऐसे लेवल पे लेके जा रहा है कि उसकी मार्केट क्या बढ़े mm -hmm. या माइक्रोसॉफ्ट को नया इन्वेंशन करने वाला है दे आर डूइंग इट वो mm -hmm. पता है मुझे वो होना है ए right. आई के अंदर इतना बड़ा रेवोल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट लेके आ रहा है एमेजोन mm -hmm. लेकर आ रहा है इवन गूगल इज ऑल्सो ट्राइंग बहुत सारे टूल अब इस बस अब इन सबका टफ कॉम्प्यूटर एक्स डॉट कॉम हो गया mm -hmm. X, बस देखता है मार्केट में क्या लाया जा सकता है एक्स टीवी भी आ रहा है अब वो कंपटीशन टीवी इंडस्ट्रीज को भी आने वाला है सैमसंग एल जी टाइप वाली इंडस्ट्री को तो ओवरऑल बिटकॉइन का जुलाई के बाद टाइम ठीक है मतलब टाइम ठीक है एंड इट्स नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी बिटकॉइन का चार्ट प्रेडिक्शन जो है वो बुलरन की स्टार्टिंग मेरे हिसाब से मिड ऑफ जुलाई के बाद से है और करेक्शन टाइम है आपने x.com की बात करी सर अभी हम क्या आपको लगता है कि लॉन मस्क इंडियन अंबानीज की तरह

टी, और जो भी रीजन लिखा होगा हम उसको कर लेंगे ना। hmm. Actually, इतना मीटिंग hmm. होनी थी उससे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आना था टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया और मीम्स आनी शुरू होगी मैं भी टेस्ला चलाऊंगा लोग टेस्ला की कार को ओरिजिनल कार के ट्विटर पे फेसबुक पे इंस्टा पे मीम बना रहे थे

ठीक है अभी आपने रिसेंटली स्पेस तो इनोवेशन है ही है उसमें yes, तो नो no डाउट अच्छा अभी रिसेंटली एक्स टीवी तभी बोल रहे हैं एवरीथिंग ठीक है अच्छा अब आपने पेमेंट ऑप्शन भी सुन ली है hmm. और हम डॉज और फ्लोकी के दीवाने इसलिए हुए बैठे हैं कि एक्स पे पेमेंट ऑप्शन स्टार्ट होंगे और डॉज और फ्लोकी एक्सेप्ट होंगे फ्लोकी दो सेंट डॉज दो डॉलर एक्चुअली सेंटीमेंट है मार्केट में राइट और आप देखो ना अगर आप इसको एक प्रॉपर तरीके से देखो जब कोई चीज एक्चुअल में कहीं पर एक बड़े पोर्टफोलियो में या एक बड़े जगह पे अप्रूव होती है तो उसमें इंपैक्ट देखने को मिलता है दो में इतना बड़ा क्रैश मूवमेंट था हम मैं और मेरा फ्रेंड आपस में बातें करते थे तो 21 या 22 की बात आई थी डॉज कॉइन जब ऑल टाइम हाई गया तो क्या रीजन था एलोन मस्क का ट्विट अब वो ट्विटर आप फनी वे में भी समझ सकते हो लेकिन आने वाले फ्यूचर के हिसाब से समझ सकते हो आज वो फ्यूचर का टाइम आया हुआ है in also. मतलब उसके अंदर वीजा मास्टर कार्ड तो चलना ही है राएट, राएट। जो फेड है वो तो चलनी है आपकी लोकल करेंसी चलनी है बट क्रिप्टो चलनी है क्यों क्रिप्टो चलनी है इट्स न्यू इनोवेशन और आने वाला टाइम इट्स कम्प्लीटली ऑन वेब थ्री अब वेब थ्री का

एल और Dogecoin दोनों टेक्नोलॉजी पे है। थोड़ा सा मतलब आल, बट जो आती हैं किसी भी डिजिटल को क्रिएट करने में वो BTC में सबसे ज्यादा है। हैशिंग algorithm, right? ठीक है ठीक और सबसे बड़ी बात BTC को स्टार्ट में सबने लैपटॉप से माइन किया शायद अगर हम उस टाइम होते तो आज पचास पचास हजार बीटीसी ले रहे होते तो उसके बाद जब डिफिकल्टीज आई राइट फिर सीपीयू फिर एसिक माइनर्स फिर बिटकॉइन माइनर्स फिर अलग से कंपनीज बिटमैन आई और बहुत सारी कंपनीज आई जिन्होंने मिलकर बिटकॉइन की डेडिकेटेड मशीन बनाई बिटकॉइन माइन हो रहा है लेकिन उसके चक्कर में आज आप देखो ना कितना बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क में आ रहे हैं दे आर थ्रू माइनिंग जीपीयू माइनिंग आ चुकी है एसिक माइनिंग आ चुकी है सीपीयू माइनिंग आ चुकी है बट उन सबसे तो बहुत बड़ा इनोवेशन है ना डॉज राइट डॉज तो बहुत बड़ा है चलो जीपी माइनिंग आज आ रही है पिछले साल से हम सोल रहे हो डॉस्ट कॉइन तो यार दो हजार पंद्रह सोलह से स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी माइनिंग में आ गया तो है। तो थर्ड है अच्छा। तो बट आप ये भी ना सोचो कि कई लोग ये भी सोच रहे होंगे पॉडकास्ट सुन के यार आज अगर बीटीसी नियर अबाउट फिफ्टी सिक्स थाउजेंड डॉलर पे है तो यहाँ से आठ गुना चला जाएगा ऐसा नहीं होने वाला अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बहुत तो बड़ा, बहुत बहुत, बहुत बड़ा 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 रही। रही। पर ऐसा नहीं अच्छा एक और चीज मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी थी। है? आप मतलब मैंने जो देखा वो ये है कि आप अच्छे से दावा करते हो कि जो शिबाइनु है वो वन डॉलर जाएगा देखा आपने थंबनेल देखा राइट राइट थमनेल इज फॉर की लोग uh, आए और क्लिक करें आई ऑल्सो व्यूज यार आई ऑल्सो व्युनिटी बट देखो उसके पीछे भी कुछ रीजन होते हैं सिवाई mm डॉलर -hmm. जाएगा अब अगर आप इसको देखो आपने थमनेल देखा मैं आपको आज आज आपको एक और सच्चाई बताता हूं एक बार क्या हुआ एक ऐसे ही थमनेल था राइट right. और उसपे मेरे आपसे लास्ट पॉडकास्ट में टेक्निकल yeah. एस्पेक्ट mm -hmm. exactly दिखाया था mm -hmm. कि आप बीटीसी की ओवरऑल मार्केट कैप देखो बीटीसी mm -hmm. की सप्लाई देखो देन लाइट कॉइन की मार्केट कैप देखो लाइट कॉइन की सप्लाई देखो सोलाना की मतलब उन्होंने तीन चार प्रोजेक्ट का नाम लिया क्यों लिया क्योंकि उनको कंपेयर करना था शिबाइन से Okay. तो उन्होंने पहले ना पहले चार पांच टॉप प्रोजेक्ट बताए बीएनबी सोलाना लाइट कॉइन बिटकॉइन इथेरियम फिर उन्होंने अचानक से ना कंटेंट uh, पलट के सिबा पे ले आए कि वी आर ऑल सेइंग वी ऑल आर सेइंग के शिबा इज टू वन डॉलर हाउ मतलब फाइव एटी ट्रिलियन ऑफ सप्लाई का प्रोजेक्ट अगर एक डॉलर का हो गया तो क्या हो जाएगा भाई मतलब ये तो okay.

अचानक से रीपैक प्रपोजल निकल के आ जाएंगे अचानक से टेरा कम्युनिटी के नए प्रपोजल निकल के आ जाएंगे ये सिर्फ दो तारीख तक का ड्रामा है अचानक से उन चार पांच दिनों में रीपैक हो रहा है यूएसटीसी रीपैक होने वाला है और यूएसटीसी भी दो रुपए से छह रुपए चला जाएगा पांच रुपए चलाएगा एल यूएनसी भी पंद्रह परसेंट ग्रोथ करेगा जैसे ही तीन तारीख आएगी वो वो भी ग्रोथ भी डाउन यूएसटीसी दोबारा से एक दो रुपए का यही को आप से समझो कि शिबायनु जब रेगुलर बर्न हो रहा है

कि अगर रेगुलर बर्निंग हो गई शिबा अपना एल1 लेके आ रहा है शिबेरियम नेटवर्क आई कैन अंडरस्टैंड सर ठीक है और मार्केट का एक्चुअली भरोसा भी कुछ नहीं है राइट अब होने को हो भी जाए बट एक रुपए हो जाए दस पैसे हो जाए तो लेट्स सी सो so, ठीक है सर ये तो हो गई शिबा इनो की बात अभी अपन करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं जो अभी रिसेंट में रशिया में बैन लगा था ऐसी खबरें आई थी रशिया के जो न्यूज चैनल्स पब्लिश करी थी कि रशिया ने बैन कर दिया है क्रिप्टो को तो वो क्या था उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं क्या ऐसी चीजें के तौर पे काम आ रही है या इसको मैनिपुलेशन ही कहेंगे आप बोल सकते हो <laughs> आप बट एग्जैक्टली exactly ऐसी खबरें मैंने देखी मैं भी खुद भी शॉक्ड हुआ था क्योंकि आज से लगभग तीन महीने पहले आ, ये भी सुनने में मार्केट में आया ट्विटर पे और कई न्यूज पेपर में कि जब बिटकॉइन माइनिंग की बात होती है तो रशिया इज एन सेकेंड पोजिशन फर्स्ट पोजिशन सबको डाउट में है <laughs> कि माइनर यूएसए में ज्यादा है इंडिया में ज्यादा है यूके में ज्यादा है या बाकी वियतनाम या बाकी कंट्रीज में ज्यादा है नहीं। बट सेकेंड की न्यूज सबको कंफर्म थी कि रशिया में है ठीक है और अचानक से तीन चार महीने बाद अभी ये न्यूज आती है अच्छा उस न्यूज को पूरा मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है चार लाइनों में न्यूज खत्म की गई है और न्यूज कैसी ट्रेंड में आई थी कि रशिया इज गोइंग टू बैन बिटकॉइन ऑन फर्स्ट ऑफ सितंबर 2024 अगली लाइन लिखा हुआ है भाई बैन का रीजन क्या है कि अकॉर्डिंग टू रशियन प्रेसिडेंट ही इज फीलिंग कि uh, जो रशिया की अपनी लोकल करेंसी है बिटकॉइन उसके ऊपर जा रहा है तो ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमारी रशिया की जो एक रूलिंग करंसी है रूबल उस वो करेंसी से ऊपर कोई करेंसी हो जाए बिटकॉइन स्टेपिंग आउट और उन्होंने बोला इवन इट्स नॉट ओनली बिटकॉइन कहीं ना कहीं ये भी न्यूज सुनने में आ रही है कि वो पूरी की पूरी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को बैन कर देंगे दो हजार चौबीस आप तो बिटकॉइन की बात करो ना फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है इट्स नॉट अबाउट बिटकॉइन

फिर आप अपने हिसाब से डिस्प्ले कर रहे हो राए राए फिर वो मेरे पास आई मैंने अलग नमक लगाया तो मैंने रिप्रेजेंट किया तो ऐसे ही न्यूज कहीं ऑफिशियली ब्रॉडकास्ट हुई चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स में हुई या वहां के किसी लोकल न्यूज पेपर में उन्होंने वहां से कंटेंट लिया ट्विटर पे डाला कुछ अपना तड़का वाला लगाया और शुरू आ रियलिटी नोबडी बडी राइट ठीक है बट अगर ये न्यूज मार्केट में आती है तो डेफिनेटली मार्केट ने होना था अब इसको मैनिपुलेशन समझो आप अच्छा आपने ऐसा ही न्यूज कभी साउथ कोरिया साइड से सुनी है कि 500 BTC को ट्रांसफर करने के लिए 19 BTC की फीस पे की ऐसी न्यूज सुनी है कभी है सुनी साउथ कोरियन साइड से भी एक ऐसी न्यूज आई थी 500 बिटकॉइन एक वॉलेट से ट्रांसफर करने के लिए एक एक्सचेंज में सॉरी बाइनेंस से ट्रांसफर हुए थे किसी साउथ कोरियन वॉलेट में 500 BTC थे और 19 बिटकॉइन फीस पे की यह न्यूज वायरल अच्छा। हुई उस न्यूज से बिटकॉइन पंप हुआ था क्यों बिटकॉइन इतना बड़ा वर्थेबल है कि लोग नो 19 बिटकॉइन की फीस पे कर देते हैं बट इट्स नॉट अबाउट 19 इट्स इट्स अबाउट रेस्ट ऑफ 481 राइट 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 जो लास्ट के 48 मतलब 481 जो बैलेंस है वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए hmm. क्यों इंपॉर्टेंट है उसको लग रहा था कि बाइनेंस का जो सीईओ है सीजेड hmm. उसके ऊपर तो बांध दिया केस hmm. अब पता नहीं इसको अमेरिका से निकलने देंगे जाने देंगे उसको पता नहीं बाइनेंस बंद ना हो जाए ठीक है तो लिक्विडिटी खत्म ना हो जाए बाइनेंस इज वन वन ऑफ ऑफ द द बैकबोन टॉप मोस्ट एक्सचेंज इन वर्ल्ड तो अगर बाइनेंस के CZ के सीजेड ऊपर अगर आप ऐसे एलिगेशन लगते हुए देखोगे तो डेफिनेटली और जो बड़े होल्डर्स होंगे वो तो पैनिक होंगे ना तो वो शायद पैनिक से बचने के लिए उसने अपने फोर देखे उसको उन्नीस नहीं दिखाई दी लेकिन इसको रिप्रेजेंटर कैसे करते हैं पहली न्यूज आती है डराने वाली भाई बाइनेंस से सब कुछ असेट्स को विड्रॉल किया जा रहा है

कि 500 BTC को ट्रांसफर एक्चुअली किया गया है बाइनेंस टू वॉलेट 19 BTC फीस पे की गई है मार्केट नो सेंटीमेंट को देखा बिटकॉइन की बर्थ को समझा और बिटकॉइन 6% परसेंट पंप हो गया और आप कह तो ये टाइम ये वही टाइम था जब ये ग्रेस के लॉफिडेलिटी ये डे बाय डे बाय कर रहे थे ये वही टाइम था मतलब आप देखो किस हिसाब से चीजों को चलाया जा रहा है हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि यार चलो प्रॉफिट बन गया लेकिन जो तो मार्केट के जो बड़े गेम प्लेयर्स हैं वो तो अलग ही लेवल की गेम खेलते हैं यार हम लोग तो बस सेंटिमेंट्स को देख रहे हैं समझ रहे हैं चीज चलो इतना भी अच्छा है कि हम समझ पा रहे हैं और हमारे यूजर्स भी समझ पा रहे हैं हमारी वजह से ये कुछ हमारे से हमारे से ज्यादा चीजों का एनालाइज करते हैं तो वो अपने अपने चैनल्स पे अपने अपने थ्रू जो भी उनका मीडियम ऑफ ब्रॉडकास्ट है दोस्तों से बात करना है वो कर रहे हैं बट ओवरऑल आप सेंटीमेंट्स को ऐसे भी समझो यार कि बहुत शॉकेबल कई बार चीजें हो जाती है एकदम सरप्राइज मूवमेंट देने वाली चीज है यार ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए था लेकिन इसको ऐसे क्यों बताया गया राइट 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 चीजों के पहलू बना देते हैं ना कई अब आप ऐसी किसी भी चलो हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते मतलब पॉलिटिक्स में भी कई चीजें ऐसी होती है ना चीज सीधी है उसको घुमा फिरा के कैसे तथ्य बना दिए जाते हैं तो डिपेंड ऑन फैक्ट तो अब एक फैक्ट तो ये है कि यार बीटीसी को सेल किया जा रहा है एक फैक्ट यार फैक्टर की वैल्यू देखो यार अभी आपको एक रिसेंटली न्यूज बताता हूँ बहुत शॉकेबल सी न्यूज ट्रांसफर किया गया बताओ कितनी फीस दी होगी अंदाजा लगाओ आप इस रूम में बैठे सब पॉइंट वन ट्रांसफर करना माइनिंग के बाद कितना फीस पे करेगा कोई एक्चुअली रियलिटी है देखा आपने? ट्रांसफर करने के लिए एक पर्सन वन बीटीसी फी पे कर रहा है अरे भाई पीके को वही रख लेना संभाल के right. तो तेरे पास 1.1 है उसको 0.1 आप, आपको क्या लगता है ऐसा हुआ होगा मेरे को तो नहीं लगता सर आ, कि लाइक पर अगर आप बीटी स्कैन पे जाके देखो भेज रहा है और उसको मतलब 0.1 भेज रहा है और उसको एक BTC देना पड़ रहा है एज अ ट्रांजैक्शन फीस अब मैं आपको उसका एक, और आप सबसे बड़ा प्रूफ बताऊं आपको फिर बोलूंगा नाम नहीं लेता मैंने ट्विटर पर ये स्क्रीनशॉट

तो वन ही संभाल लोटोली <laughs> लो। तो चीज hmm. you know, so hmm. इस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट आप करोगे तो ऑडियंस तक पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी hmm. और ऑडियंस right. उसको कैसे लेगी इसको शायद हम लोग समझ नहीं पाएंगे right. क्योंकि हम अपना अपना सेट से बात करते हैं ना राइट right. आपको सुनने वाले अब दस बीस हजार लोग हैं तो वो कैसे कैसे ले रहे हैं? बट hmm. ओवरऑल इन सब का जो मेन मोटिव uh, है वो शायद यही है कि ऐसी न्यूज मार्केट में आकर टॉप इंस्टीट्यूशंस के लिए बाइंग की स्ट्रेटेजी भी बना देती हैं, सेलिंग hmm. की स्ट्रैटेजी भी बना देती है उनका इतना बड़ा खेल हो या ना हो उनकी एक न्यूज से जो जैसे रशिया ने सितंबर एक से दो से बिटकॉइन को बैन करना है ऑल सारे डिजिटल एसेट्स को बैन करना है ये एक स्टेटमेंट थी जब तक अब एक सितंबर 2024 आएगा नहीं ना तब तक इस एक स्टेटमेंट के फेवर में भी एक लाख स्टेटमेंट बन जाएंगी दूसरी जो न्यूज थी वो थी अपने हांगकॉन्ग में ईटीएफ्स लॉन्च हो गए उसके बारे में क्या व्यूज है आपके देखो पहली पावर यूएसए बना आप इकोनॉमिक इंडिकेटर में भी आ जाओ तो सेकंड पावर इज चाइना अब

हांगकॉन्ग चाइना को लेना था तो उन्होंने थोड़ा वेट किया पुलिंग किया अप डाउन देखा फाइनली उस अप्रूवल के आई थिंक पंद्रह बीस दिन के बाद से रूमर स्टार्ट हो चुके थे जून तक इथेरियम स्पोर्ट ईटीएफ इंक्लूडेड बिटकॉइन अप्रूव हो जाएगा बाय हांगकॉन्ग साइड ओके okay. और हम तो वेट जून तक ही कर रहे थे अचानक से मैंने जो स्टडी किया 25-26 मार्च से ये

क्योंकि अगर आप टेक्स साइड पे आओ नहीं, अगर अगर, अगर बात करें रियल वर्ल्ड की तो क्या लगता है आप नहीं यार नहीं ऐसा नहीं कभी होता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी नो डाउट इट्स वन ऑफ द सिक्योर टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ए लॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आप हर चीज को डिस्प्ले कर सकते हो कि क्या कर रहे हो और क्या करने वाले हो या क्या हो रहा है बट आप ना एक चीज को जितना देखो पेपर को जितना मर्जी स्ट्रोंग बना लो पेपर को जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बना लो

BTC, तब भी तो माइन हुआ होगा ना जब एक, था। लगा था, ट्रेंड में आती है। एक बंदा बड़ा खुश हो रहा है दो हजार बारह में एक सौ बारह डॉलर आज उस बंदे के पास अगर बीटीसी हो कहा एक सौ बारह डॉलर कहा साठ हजार डॉलर कहा सत्तर गया तो सारे होंगे यार तो वो जो पर्सन

इज़ फंडामेंटल इज फंडामेंटल बिटकॉइन इज़ ऑलवेज़ तो इथेरियम नो डाउट के जब बिटकॉइन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बिटकॉइन जब थ्री पॉइंट की मार्केट क्या बनाता है पूरी पांच परसेंट में पूरी मार्केट आएगी hmm. अब हमें यह देखना है कि वो खेल पांच ट्रिलियन का बनता है

कोई इंग्लिश में लिख रहा है कि सीजेड को सिर्फ चार महीने की जेल हुई यार खुशी की जेल है भाई चार महीने की एक दिन की एक जेल जेल हाँ, जेल तो जेल है भाई और दूसरी देखा बात चाहे मैं कह रहा हूँ आप वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आपके पास यू हैव ऑल द फैसिलिटी इन जेल बट वो जेल ही है वो कमरा है घुमाएगा नहीं वो आपको आप, आप कह दी हो हाँ आप कह दी हो आपकी ड्रेस चलो आप सब कुछ ठीक है बट right. वो जेल है लोगों के दिमाग में वो जेल है अंदर वो कुछ बट यार्ड राइट और अगर आप ट्विटर के इन्फ्लुएंसर की टर्म में भी आ जाओ तो ही right. तो काशिफ भाई का एक ट्वीट को बहुत प्यारा लगा वो ट्वीट ये था कि भाई आप लिखते रहे हो कि सीजेड को चार महीने की जेल होगी बधाई लेकिन आप चार घंटे रह के देखो मतलब कुछ ऐसा था आप चार घंटे जेल जेल। जेल दो, तो, दो साल हो जाती तो अट्ठारह महीने हो जाती तो अरे यार है। वो चीज सिर्फ चार महीने पे डाके अरे ये, ये चीज गए। गए। ना देखो पता क्या है हर्षित भैया ये चीज ना कंटेंट बनाने के लिए अच्छी है हाँ वो चीज है बट so. अगर आप इसको रियलिटी में जाओ कि राइट right नाउ वो किस स्ट्रेस में होगा बिटकॉइन hmm. मैंने एक, मैंने एक एक जिसने बनाया बनाया, <laughs> जिसने बनाया, बनाया right. बनाने के बाद ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है पब्लिकली कौन लेके आया तो पब्लिक तो सीजेड लेके आया ना पब्लिक <laughs> मतलब सीजेड के साथ और भी बहुत लोग हैं हम सीजेड सीजेड करते हैं क्योंकि

तो अब क्या प्रॉब्लम हुई मनी लॉन्ड्रिंग हुई या जैसे स्टार्टिंग में बताया जाता है कि किस में यूएसए कॉन्टिनेंट की तरफ से केवाईसी नहीं करवाई जाती थी तो 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 से क्रिप्टो आई कहां चली गई ना आने तो आने का आने का तो चलो पता है कहीं किसी वॉलेट से ट्रांसफर होकर बाइनेंस में आई बाइनेंस से कहां चलेगी तो देखो ये एक डर वाली बात भी थी डेफिनेटली जो ये बड़े स्टॉकिस्ट है हाँ और जो जैसे जेपी मॉर्गन बैंक की तरफ से आप स्टेटमेंट सुनते हो कि यार पता ही नहीं है ना कि टेररिज्म के लिए है या मनी लॉन्ड्रिंग है।, है और एक्चुअली में ऐसा हो सकता है right, क्यों नहीं हो सकता है hmm. तो डेफिनेटली hmm. तो फिर जो कर रहा है वो ही फंसेगा hmm. वैसे तो हवा में है सारी चीज तो ये गलती थी कि स्टार्ट में बाइलेंस की है आप एक कॉन्टिनेंट की तरफ से कह रहे हो फ्री फ्री टू यूज दूसरी जगह आप कह रहे हो तो क्या पता अभी वही एलिगेशन उठ के सारे एलिगेशन इकट्ठे हुए और फिर जाके हैरानी हो रही है इवन स्माइली के साथ साथ लोग right, right. उसकी वीडियो बना के दिखाओ ट्विटर पे यार सो लोगों ने दो सौ लिख दिया काशिफ भाई का कमेंट बड़ा अच्छा लगा तुम तो चार घंटे के लिए रुक के दिखाओ जेल इज जेल भाई हाँ बट देखो उनकी इस स्टेटमेंट से मार्केट में डंप आया

बीटीसी हाँ फिफ्टी टू थाउजेंड डॉलर लास्ट क्रैशिंग अच्छा एक न्यूज आपको और सुनी होगी कि बीटीसी 30,000 डॉलर का हो जाएगा ये सुना इसी बीच में जब करेक्शन ये सीज़न नहीं नहीं ये सीजे वाली न्यूज और करेक्शन इन दोनों के मिक्सअप में एक और ये चीज सुनी थी जब फैब फैब के आसपास सुनी थी मैंने ये वाली चीज नहीं नहीं फैबली दोस्त ये तो अभी हुआ है

तो तो मैं मैं तो फैमिली टाइम है, बेटा बेटी साथ में अब अब फिर मैं उसकी क्योंकि ना चार पांच लोगों ने इकट्ठे बोल दिया अब मेरे को था ये बच्चे बस मेरे सो जाएं। और मैं सर्च करना शुरू करता हूं। नहीं। 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 तो कुदरती मेरा बेटा सोया और दस पंद्रह मिनट बाद मेरी गुड़िया सोई और मैंने अपनी वाइफ को बोला मुझे रात को रिसर्च करना है तो आप लोग आप लेटो मैं बैठा हूँ ऊपर मैं अपने रूम में गया आराम से बैठा दो घंटा लगा मुझे रिसर्च करने में दो घंटे बाद डेढ़ बजे मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूं मैंने कहा भाई लास्ट पैंतालीस हजार डॉलर है इससे नीचे बात मत और वो भी क्रैश जब मार्केट क्रैश हो जाएगी तब पैंतालीस हजार डॉलर है अदरवाइज नहीं फाइनली कुछ भी नहीं हुआ यार चौवन टू फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स तक पहुंचा है 56, 300, आप देखो वापस 63. तो सारा कुछ वही मैनिपुलेशन है मार्केट में नेगेटिव न्यूज दो टॉप लेवल की छह सात आठ परसेंट गिराओ बड़े एंट्री करते हैं होल्ड करते हैं छोटे छोटे रिटेलर्स बेचते जाते हैं बड़े इंस्टीट्यूशन कमाते जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो सीधा बाइंग करनी है ना वो वो हम, वो हमारी इतना नहीं पांच हजार तीन हजार पांच हजार उठाया मार्केट अप और एक्चुअली ट्रेडिंग होती भी यही है यार ट्रेडिंग में अगर आप बड़े लेवल की बाइंग कर रहे हो किसी चीज को लेके तो मार्केट में ग्रीन सिग्नल आएंगे हाँ बट इस ग्रीन सिग्नल बुलरन तक कितने लेके जाएंगे वो आगे बात करेंगे ओके okay, सर तो ये तो हो गई अपनी बात जो बिटकॉइन ईटीएफ्स एंड जन करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में थी जो ठीक सो so, अभी इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा एंड की तरफ ले जाते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 2024 में गेमिंग और एआई का क्या फ्यूचर है okay. और इसमें आपके कौन-कौन से बेस्ट टॉप 5 गेमिंग और एआई टोकंस होने वाले हैं जो okay. पोटेंशियल रखते हैं में 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 लोगों के के लिए और यू नो आई टू से एक्चुअली अगर आप हिसाब बात करो तो 2024 प्लस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मतलब मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता क्वार्टर 2025 तक वेट जरूर करना. More, 2025. मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा महीना होगा बट बीच में फेब है फेब बेस्ट है तो यही आठ दस महीने का इंतजार है अब हम अब आज की डेट में कल्चरिस्टिक कुछ देखें या इनोवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें गेमिंग इवन आप प्रेजेंट टाइम की बात करो तो सोलाना इकोसिस्टम इज ऑल्सो इन ट्रेंडिंग मीम कॉइन इज ऑल्सो इन ट्रेंडिंग बट अगर आप डोमिनेटेड आ जाओ अलग अलग कैटेगरी पे गेमिंग आती है तो गेमिंग में मीम फ्लो की उम्मीद है दोस्त वन सेंट से ऊपर जाने का वन सेंट तक है वन सेंट बहुत अच्छा अमाउंट बना जाएगा फ्लोकी के पास सबसे बड़ी जो अच्छी चीज है वो ये है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल भी होती जा रही है सो वो आज एक मूवमेंट एक, बेस्ड प्रोजेक्ट बन चुका है, है। फ्लोकीनो से मुझे बहुत उम्मीद है कि फ्लोकिनू एटलीस्ट वन सेंट मुझे लगता है कि इजीली जाना चाहिए दूसरा अगर आप में आते हो तो गाला गेम्स गाला गेम्स में आ, एक जो माइग्रेशन हुआ उस वजह से गाला गेम बहुत जबरदस्त लेवल पे डाउन हुआ बट अब गाला गेम ने पिछले 2023 में पूरा पूरा 2023 हजार तेईस इंप्रूवमेंट किया है अपना पूरा स्ट्रक्चराइज किया है पूरा जो माइग्रेशन है उसको सक्सेस करके दिखाया है और गेमिंग में आज गाला गेम्स एक टॉप मोस्ट चॉइस एक्चुअली बन चुका है तीसरा अगर आप गेमिंग में आते हो इस साल मतलब 2023 और इस साल कहीं पर भी डस एंड बॉक्स की बात नहीं हो रही right. ठीक है डिसेंट्रल एंड माना की बात नहीं हो रही एक्सआई mm इन्फिनिटी -hmm. की बात नहीं हो रही दे आर द टॉप थ्री चॉइस इन गेमिंग टू इयर्स अगो ठीक है लेकिन इस साल अचानक से आईएमएक्स, फ्लो की बीम गाला और आपने एक रिसेंट सुना होगा रोनिन right. ठीक है लेकिन अगर हम पांचों चॉइस में जाए ना तो मेरी चॉइस बनती है तो मतलब

Right. और उसने ओवरटेक भी फ्लोकी को किया पैपे को किया भी लाना को नहीं था बट थर्ड फोर्थ छोड़ो विफ सोलाना का इनोवेशन का टॉप मोस्ट मीम कॉइन है right. एक आधा अगर यूजी छह महीने साल में ले आया hmm. कोई सस्टेनेबल ग्रोथ मूवमेंट ले आया विफ रिकॉर्ड ब्रेक करेगा और विफ के साथ साथ रिकॉर्ड हमेशा ब्रेक करेगा रिकॉर्ड क्यों बोक ने जो सबसे प्यारी चीज करी थी सबसे अच्छा जो उसने अपना इकोसिस्टम डेवलप किया है वो वो है है लिक्विडिटी वो लिक्विडिटी सर्विस प्रोवाइडर एज वर्क करता है, सोलाना इको में तो अल्टीमेटली वो सोलाना की इंप्रूवमेंट से जो हम अनडाउटेडली समझ रहे हैं लेयर वन तो हमेशा ही बुल में सबसे टॉप मोस्ट होती है right. तो सोलाना की इंप्रूवमेंट की वजह से बॉन्क में इंप्रूवमेंट आएगा बट ना मैं अगर थोड़ा सा हम पॉडकास्ट को लेके जाएं

और कंटेंट आपको रेगुलर देखने को मिल रहा है right. क्योंकि ना देखो सभी इन्फ्लुएंसर्स मिलके प्रमोट नहीं कर सकते mm -hmm. क्योंकि जो प्रमोट करवाने वाला है वो भी लिमिटेड चूज करता है जब सभी इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ना तो इसका मतलब उस प्रोजेक्ट में ही कोई चीज है mm -hmm. बाकी तो आपकी रिसर्च भी तो है mm -hmm. तो ऐसे प्रोजेक्ट देखो जो इस टाइम पे ना 45 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है 50 पे है थ, 23 पे है 33 पे है 70 पे है 75 पे है mm -hmm. ये वाले मीम कॉइन भी बहुत अच्छे निकलेंगे बाकी एआई गेमिंग की मैंने चॉइस आपको बताई

आई होप कि जल्द ही मिलते हैं एक और दूसरी वीडियो में और जल्द ही अपन शूट करेंगे एक और एंड या सो थैंक यू सो मच सर मिलते हैं सर uh, मिलते हैं गाइस uh, अगली वीडियो में तब तक के लिए यू कैन वॉच सन क्रिप्टो के जो रिसेंट अपडेट्स हैं उनकी वीडियो एंड थैंक यू सो मच दिस वॉज हर्ष धीमान एंड साइनिंग ऑफ थैंक यू